तो गाइस देखा आपने किस तरीके से मैंने एलईडी लाइट को कंट्रोल किया। ये कोई पार लाइट नहीं है, ये एलईडी मैटेन है। तो इस मैटेन को किसी ने अभी तक कंट्रोल नहीं किया और यूट्यूब में ऐसा कोई वीडियो नहीं है। तो मैंने खुद से एक डीएमएक्स बनाया ये मैटेन कंट्रोल नहीं, इस एलईडी बल्ब को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा तरफ आप लोग इसे घर पर भी बना सकते हो। तो बनाने के लिए वीडियो का पार्ट टू में मैंने किस तरीके से बनाया पूरा वीडियो कुछ दिन बाद चैनल पर आएगा। तो आप लोग अभी इस वीडियो का इसका पार्ट टू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। और इस तरीके का वीडियो यूट्यूब पे कोई चैनल पे नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारा चैनल ही मिलेगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब। तो गाइस आपने अपना टैलेंट से अपना देसी का तरीके से हमने बनाया हमारा ये लाइट कंट्रोलर। तो चलिए और एक बार आप लोगों को टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो गाइस कैसा लगा, बढ़िया? अब देखो इसी को, तो इसी को हमने घर पे ही बनाया। तो चलो और एक बार आप लोगों को दिखाते हैं कैसे कौन सा लाइट ब्लिंक होता है। तो गाइस ये हमारा लेज़र का स्विच। तो देखो मैंने इसको जैसे दबा दिया लेज़र ऑन हो गया। तो देखो लेज़र को ऑफ करते हैं, तो लेज़र को मैंने ऑफ कर दिया, स्विच को ऑफ किया तो लेज़र ऑफ हो गया। तो ये हमारा ग्रीन लाइट का स्विच, ये कंट्रोलर वाला, ये है डायरेक्ट। तो देखो मैंने इसको जब भी दबाया तो ग्रीन लाइट जो है वो जल गया। तो देखो इसको मैंने ऑफ कर दिया और इस बार मैंने इस लाइट को जैसे ऐसे ही दबाऊंगा तो लाइट ब्लिंकिंग होगा। देखो मैं ऐसे दबाते रहूंगा तो लाइट ब्लिंकिंग होगा। तो ये हमारा वाइट वाला लाइट जो है, इस वाइट दोनों वाइट का। तो देखो मैंने सिंपली दबा दिया तो लाइट जल गया। तो उसको ऑफ करते हैं, तो मैंने इसी को ऑफ कर दिया और ब्लिंकिंग वाला स्विच दबाया। इस स्विच को ऐसे दबाना पड़ेगा, ऐसे। देखो मैंने लेज़र को ऑन कर दिया, सभी को ऑन कर दिया, इस दोनों को ऑफ किया और देखो। तो गाइस पार्ट वन में इतना ही। तो पार्ट टू में आप लोगों को मैंने क्लियरली पूरा तरीके मैंने किस तरीके से बनाया, कैसे असेंबल किया, पूरा आपको मिलेगा। तो आप लोगों का काम यही है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं मिलते हूँ इसका पार्ट टू में। तब तक के लिए बाय बाय।